Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and fit. Students, today we are doing the revision of our chapter Deepa Karmekar. So, open page number 105. Firstly, we will do the revision of our book work. Then we will do the revision of our notebook work. Okay? Start with grammar. Read these sentences. Deepa lived in Agartala. Deepa had to land on her feet when she jumped. We use words like in, on, at, above, and over to talk about where something is or where something happens. कि कोई चीज कहाँ है और कहाँ happen हुई है. The horse jumps over the fence. Horse ने fence की over jump किया. The lamp hangs above the table. जो lamp है वो table के ऊपर hang कर रहा है. किसी भी चीज़ की position को बताने के लिए in, on, at, above and over का use करती हैं. और कहाँ कहाँ इनका use होता है? Let's see. इनका use कहाँ होता है? Months में, season में, year में. मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में. यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, आई विजिटेड ऊटी इन जुलाई. आई स्लैप्ड इन द आफ्टरनून. मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. नाइट में यूज़ नहीं होगा इनका यूज़. ओके, ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं? डेज में, ऑल डेज. आई डोंट गो टू स्कूल ऑन सैटरडे. एट का यूज़ कहाँ होता है? नाइट में. और यूज़ टू शो एन एग्जैक्ट टाइम और अ पर्टिकुलर टाइम. एग्जैक्ट टाइम और पर्टिकुलर टाइम को शो करने के लिए. द असेंबली स्टार्ट्स एट 8:30 AM. फ्रॉम टू शो द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट्स एंड फिनिश. कि कोई चीज़ कब स्टार्ट होगी और कब फिनिश होगी, उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? फ्रॉम एंड टू का. ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू विल डू दिस एक्सरसाइज. ओके, टिक द करेक्ट एंड करेक्ट वर्ड्स. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वोकैबुलरी. सून शी वॉज कार्टव्हीलिंग थ्रू द एयर. द वर्ड कार्टव्हीलिंग टेल्स अस हाउ दीपा मूव्ड. हमें कार्टव्हीलिंग क्या बताता है? कि दीपा ने कैसे मूव किया. कंप्लीट दीज सेंटेंसेज विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, लिम्प, रिगल, फ्लैप, लीप, स्वे, पाउंस. अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेज यू विल सेलेक्ट द करेक्ट मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. लिम्प मीन्स वॉक विद डिफिकल्टी, यानी कि लंगड़ा के चलना. रिगल, ट्विस्ट एंड टर्न. फ्लैप, फ्लैपिंग. सुना होगा आपने फ्लैप वर्ड. लीप, जंप. स्वे, स्लोली मूव करना. पाउंस, जंप करना. You can see in the example, the little child wriggled through the gap in the fence and entered the garden. Little child ने क्या किया? Wriggled किया. कहाँ पे? Fence के gap में. Wriggled means twist and turn. The baby birds are trying to flap their wings. Flap means फड़फड़ाना. Why are you limping? मतलब तुम क्यों लंगड़ा रहे हो? The breeze was so strong that even the branches of the tree began to sway. यानी कि स्लोली मूव करने लगी. आफ्टर ट्रेन द चिल्ड्रन एंजॉयड लिपिंग इन एंड आउट ऑफ द पडल्स. माई किटन लव्स टू प्ले. इट हाइड्स बिहाइंड द चेयर एंड पाउंस ऑन आर फीट. ओके, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द कैट. नाउ वी आर डूइंग द रिविजन ऑफ आर नोटबुक वर्क. डिफिकल्ट वर्ड जिम्नास्टिक, ओलंपिक, कार्टव्हीलिंग, सेलिंग, मसल्स, इक्विपमेंट. कॉम्पिटिशन चैम्पियनशिप. प्रोडनोआ चैलेंज. वर्ड मीनिंग जिम्नास्टिक मीन्स एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज डन इनडोर, जो इनडोर एक्टिविटीज की जाती हैं. यूजिंग बार्स एंड रॉप्स, रॉप और बार का यूज कर. ओलंपिक गेम्स अ स्पोर्ट्स कंपिटिशन हेल्ड एवरी फोर ईयर. फोर ईयर्स के बाद जो कंपिटिशन होता है स्पोर्ट्स का, ओलंपिक. वेट लिफ्टिंग द स्पोर्ट ऑफ लिफ्टिंग हैवी वेट्स. हैवी वेट को उठाने का जो गेम होता है. जिम्नास्टिक्स पीपल हु परफॉर्म जिम्नास्टिक. जो जिम्नास्टिक करते हैं वो जिम्नास्ट्स होते हैं.
अनइवन बार, बार दैट आर नॉट इक्वल इन हाइट, जो हाइट में इक्वल नहीं होते हैं. इंजर्ड हार्ट. कार्टविलिंग, अ फास्ट मूवमेंट, एक फास्ट मूवमेंट होता है इन विच अ पर्सन टर्न्स इन सर्कल साइडवे, जिसमें एक पर्सन सर्कल में और साइडवे में टर्न करता है. सैलिंग, मूविंग क्विकली, क्विकली मूव करना. मूडी, बिकम अनहैप्पी एंड एंग्री ईजली, जल्दी अनहैप्पी और एंग्री हो जाना. स्किल्स क्या होता है, स्पेशल एबिलिटी होती है टू डू सर्टेन्स थिंग, सर्टेन्स थिंग को करने की. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. व्हाट डिड लिटिल दीपा लव टू डू, लिटिल दीपा को क्या पसंद था, जंप एंड क्लाइंब ट्रीज. व्हेन डिड दीपा स्टार्ट लर्निंग जिमनास्टिक, दीपा ने जिमनास्टिक कब स्टार्ट किया, व्हेन शी वॉज 5 years old, जब वो 5 years की थी. व्हाई वॉज दीपा स्केयर्ड व्हेन शी स्टार्टेड टू लर्न जिमनास्टिक, दीपा क्यों डर रही थी जब उसने जिमनास्टिक स्टार्ट किया, बिकॉज इट इज़ अ डिफिकल्ट स्पोर्ट, क्योंकि डिफिकल्ट स्पोर्ट था बेटा, क्योंकि इसमें किसी की नेक जो है, नेक की जो बोन है वो ब्रेक भी कर सकती है जंप करते वक्त. ओके, व्हाट अवार्ड्स डिड दीपा विन, दीपा ने कौन सा अवार्ड जीता, खेल रत्न और पद्मश्री. रीड दिस लाइन, आंसर द क्वेश्चन. दिस ऑफन मेड हर मूडी एंड हंग्री, हु इज बींग स्पोकन अबाउट हियर, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, दीपा के बारे में. Why was she moody and hungry? वो moody और hungry क्यों हो जाती थी. At the end of the day, after practice, practice के बाद Deepa's bones and muscles used to act, this made her moody and hungry. पूरा दिन exercise करने के बाद Deepa की bones और muscles pain करने लग जाती थी, इसलिए वो moody और hungry हो जाती थी. Deepa did it. What did Deepa do? Deepa successfully did the Prodanova vault. उसने Prodanova vault किया, वो क्या था, What was special about what she did? उसमें special क्या था, द प्रोडोनोवा वॉल्ट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट और डेंजरस जिमनास्टिक मूवमेंट. ये बहुत ही डिफिकल्ट और डेंजरस जिमनास्टिक का मूवमेंट था, जिसे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4 women ने किया था. नाउ आंसर इन डिटेल्स. वाई इज जिमनास्टिक नॉट एन ईजी स्पोर्ट, जिमनास्टिक ईजी स्पोर्ट क्यों नहीं है, जिमनास्टिक एक ईजी स्पोर्ट्स नहीं है, क्योंकि इसमें क्विक मूवमेंट्स होते हैं, ट्विस्ट होते हैं, टर्म होते हैं, और इसको दे हैव टू बी एबल टू बैलेंस एंड डू एक्सरसाइज ऑन अनइवन बीम्स एंड अनइवन बार्स, इसमें अनइवन बीम्स और बार्स के ऊपर बैलेंस बिठाना पड़ता है, इसलिए एक डिफिकल्ट स्पॉट है. दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, बट यू हैव टू रीड द फुल चैप्टर, नॉट ओनली लर्न दिस क्वेश्चन आंसर. ओके, गिविंग टू एग्जाम्पल से हाउ दीपा वर्कड हार्ड. व्हेन दीपा फाउंड आउट दैट द मसल्स इन हर फीट वर वीक, शी डिड स्पेशल एक्सरसाइज टू मेक देम स्ट्रॉन्गर. जब दीपा को ये लगा ना कि उसके फीट के मसल्स वीक हैं, तो उसने स्पेशल एक्सरसाइज की, जिसे शो करता है कि दीपा ने वर्क हार्ड किया, हार्ड वर्क किया. एवरी डे दीपा प्रैक्टिस, हर दिन दीपा प्रैक्टिस करती, सो हार्ड, इतनी हार्ड दैट हर मसल्स एंड बोन्स एच्ड, कि उसके मसल्स और बोन पेन करने लग जाते. दीज एग्जाम्पल शो अस हाउ दीपा वर्कड हार्ड, ये हमें दिखाता है कि दीपा ने कितना हार्ड वर्क किया. जैसे दीपा ने हार्ड वर्क किया ना, वैसे ही आपको हार्ड वर्क करना है गुड मार्क्स लेने के लिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए. ओके, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.